हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम एक बड़ी ही अच्छे सॉन्ग पे रिएक्ट करने वाले हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था ये, तो मैंने ये गाना संस्कृत में है तो समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, पर वो कहते हैं ना कि म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। देखते हैं ये हमारे दिल तक ये म्यूज़िक कितना पहुँच पाता है। वैसे भी मैं पहली बार कोई संस्कृत गाना सुनने वाला हूँ, पहली बार, ठीक है। संस्कृत जो है भजन सुने हैं, पर गाना पहली बार सुन रहा हूँ, वो भी संस्कृत लव सॉन्ग है। देखते हैं कितनी अच्छी वीडियो है और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लव लेटर टू इंडिया, प्रियम भरतमम भ्रातम बिलव डांडिया। सदा वंदनीयं
सदा वंदनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा वंदनीयम्। कमाल का गाना था भाई, कमाल का। मतलब सही में म्यूज़िक को जो हम मतलब बोला जाता है कि म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सही में भाई ये गाना ने तो दिल से दिल का कनेक्शन बना ही दिया। और वो जो लेडी थी जो गा रहे थे वो भी काफ़ी क्यूट हैं, मतलब एकदम एंजल जैसी अपीरेंस है उनकी। और संस्कृत में कितनी अच्छी पकड़ा, मतलब मैं इंडियन हूँ और हिंदी मुझे बोलनी आती है अच्छी खासी, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, पर फिर भी इतनी संस्कृत का अर्थ भी नहीं आता। मतलब इतना पुरानी लैंग्वेज है और इसे वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। फॉरेन में लोग इसे इतना स्टडी कर रहे हैं, इंडिया में कोई स्टडी करता है तो फिर वो एक कम्युनल मुद्दा बन जाता है। पता नहीं इंडिया में क्या क्या होता रहता, मतलब क्या बोले भाई। आप इस पर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो पॉलिटिक्स हो जाएगी इस पर, ठीक है, फिर कमेंट सेक्शन में लोग पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे। पर पॉलिटिक्स को हटा के देखा जाए तो संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है। हमारे सभी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो हिंदुज़म के, वो सब के सब संस्कृत में हैं। तो संस्कृत सीखनी चाहिए वैसे भी, पर क्या है ना इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अगर गवर्नमेंट संस्कृत को प्रमोट भी करेगी तो उसका अपोजिशन होने लगता है। ठीक है, कुछ अब उस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, वो थोड़ा अलग ही हो जाएगा। इस गाने पे ही रहते हैं तो ये गाना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और भाई वो जो लेडी थी उनकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है, मुझे तो सही में बड़ा ही पसंद आया। इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक और इनके चैनल का लिंक दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए लाइक कीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं यार ये, मतलब और इनको तो इंडिया में काफ़ी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कमाल है, कमाल कमाल का गाना था। आपको इनके चैनल का इवन मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी ढूंढ के वो भी दे दूंगा, क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप लोग इन मैडम को सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इनका सोशल मीडिया हैंडल वैसे मैं किसी का देता नहीं हूँ, मतलब किसी और क्रिएटर का, पर इनका मैं ज़रूर दूंगा, सोशल मीडिया हैंडल भी दूंगा और उनका चैनल का लिंक भी दे दूंगा, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक तो होगा ही। जाइए इनको पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए, बहुत ही सुंदर गाया उन्होंने और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। चलिए इस नोट पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।